इतना बड़ा हमला, जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला। मगर क्या होता है दोस्तों, क्या इस हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने तमाम पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कल प्रियंका गांधी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया था। मगर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कर्नाटक में बोलते रहे, लाइव बोलते रहे इस आतंकवादी हमले के बावजूद, जो दोपहर के 3:30 बजे हुआ। वो रात तक बोलते रहे, और किस पर बोलते रहे? राम मंदिर पर। मैं देश में जहां जाता हूं वहां पूछते श्री राम जन्मभूमि मंदिर का सवाल, मगर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट है, अयोध्या में उसी स्थान पर जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। योगी आदित्यनाथ, मैं नहीं जानता हूं केरल में जाके कौन सा कमाल कर रहे थे, ये भी रात को केरल में लाइव बोलते रहे, जैसा कि उनका ट्विटर फीड साबित कर रहा है। पीयूष गोयल, ये अपनी तमिलनाडु यात्रा को रद्द नहीं कर सकते थे, उन्होंने भी वहां पर खुल के कहा, क्योंकि उन्हें वहां पर गठबंधन में सहयोगी की तलाश थी, वो भी वहां थे। देवेंद्र फडणवीस भी वहां थे। मगर जानते हैं सबसे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हुई? जब रिंकिया के पापा यानी कि दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी एक कार्यक्रम में इस तरह से नाचते पाए गए, और उनके साथ बीजेपी से ही जुड़े रवि किशन भी थे, क्या इन्हें थोड़ी सी भी शर्म है दोस्तों? थोड़ी सी भी शर्म? और सवाल यह दोस्तों कि इन तमाम चीजों को लेकर मीडिया में कोई सुगबुगाहट नहीं। जैसे ही हमला होता है तो रिपब्लिक भारत कहता है कि कांग्रेस ने पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया। टाइम्स नाउ बाकायदा एक प्रोपेगेंडा चलाता है कि किस तरह से उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन सब से सुरक्षा जो है वापस ले ली जाए। अब आप उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उन्हें भी आपने हुर्रियत और आतंकवादियों के साथ रख दिया। और जब इस महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी का गठबंधन था, तब ये चैनल्स क्यों खामोश थे? सवाल वो नहीं है दोस्तों, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये रणनीति क्या है, जब आप मुख्य धारा के राजनेताओं को जम्मू कश्मीर के, उन्हें आप धकेल रहे हो पृथकतावादियों की तरफ। सवाल ये कि क्या है न्यूज चैनल्स ने इस पूरी घटना को लेकर जो मैसिव इंटेलिजेंस फेलियर है वो सवाल किया? क्या आपने बीजेपी के नेताओं के शर्मनाक रवैये को लेकर सवाल किया, जो अभी अभी मैंने आपको बताया? और दोस्तों, कल चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, सभी ने अपनी सियासी रैलीज, अपने पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह जाकर तमाम रैलीज को कैंसिल किया, क्योंकि आज प्रधानमंत्री को इटारसी में रैली करना था। अभी सुबह तक उन्होंने इसे कैंसिल नहीं किया था, और अब जाकर उन्होंने उसे कैंसिल किया। ये इस अहंकार पर गौर कीजिए दोस्तों कि हमसे तो मीडिया सवाल नहीं करने वाला, लिहाजा हम कुछ भी कर सकते हैं। मीडिया ने इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर भी सवाल नहीं किया। मैं आज आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं, और ये तथ्य जानने के बाद आपके होश फाख्ता हो जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले गौर कीजिए इस लेटर पर जो आपको मैं आप स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं। यह लेटर एड्रेस किया गया था डीआईजी सीआरपीएफ साउथ श्रीनगर को, ठीक है? और इस लेटर में यह कहा गया है कि बिफोर ऑक्यूपाइंग योर प्लेस ऑफ डिप्लॉयमेंट, प्लीज सैनिटाइज द एरिया प्रॉपरली एज देयर आर इनपुट्स ऑफ यूज ऑफ आईईडीज मैटर्स मोस्ट अर्जेंट। ये जो है कश्मीर पुलिस की तरफ से यह संदेश दिया गया था। यही नहीं दोस्तों, 7 फरवरी को पत्रकारों ने सेना प्रमुख से पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछा था कि ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आतंकवादी हमला हो सकता था या हो सकता है, तब इसके जवाब में क्या कहा था सेना प्रमुख ने, आप खुद सुनिए। चुनाव से पहले क्या इस तरीके से वो बड़ी कोशिश कर रहा है, इंटेलिजेंस इनपुट इस तरीके के हैं? तो हम तैयार। सवाल वो भी नहीं है दोस्तों, आपको गौर करना पड़ेगा कि ऐसा लग रहा था मानो एक ऑपरेशन चला आ रहा है पहले से प्रैक्टिस हो रही है। आप गौर कीजिए इन घटनाओं पर। 17 जनवरी को एक ग्रेनेड फेंका जाता है श्रीनगर के अंदर सेंट्रल राजबाग एरिया में। यहां पर घर हैं, ऑफिसेज हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं, जिनमें कई पुलिस ऑफिसर्स घायल हो जाते हैं।
17 जनवरी, इसका भी जिम्मा जैश ए मोहम्मद का, जो इस घटना के पीछे शामिल है। दो और ग्रेनेड अटैक्स होते हैं 48 घंटे में श्रीनगर और शोपियां में। 10 फरवरी को, यानी कि आज से सिर्फ 10 दिन पहले, एक ग्रेनेड जो है वो फेंका जाता है सीआरपीएफ कंटिजेंट में श्रीनगर के लाल चौक में, और उसमें 11 लोग जो हैं वो जख्मी हो जाते हैं। यानी कि कोशिशें दोस्तों लगातार चल रही थी। और अगर आप गौर करें कि अफगान युद्ध में शामिल अब्दुल रशीद गाजी, इस शख्स ने बाकायदा 7 फरवरी को यह कहा था कि कुछ बड़ा होना चाहिए, हिंदुस्तान रोना चाहिए। और कहीं ना कहीं अफजल गुरी की बरसी पर इस तरह के हमले करने का प्रयास था। ये तमाम संकेत लगातार किए जा रहे थे, यानी कि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी और उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। मैं ये भी आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, 2000 से 2500 हमारे सीआरपीएफ के जवान बख्तरबंद गाड़ियों में नहीं, बसों में जा रहे हैं जम्मू से श्रीनगर की तरफ। जब हमारे प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर्स या राज्यपाल किसी रूट से होके गुजरते हैं तो हम तमाम सिविलियंस को रोक देते हैं। तो जब इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी तो हमने इलाके को सैनिटाइज क्यों नहीं किया हमने सैनिटाइज? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर जो सीआरपीएफ के पूर्व आईजी वीपीएस पनवर ने कहा है कि अच्छा नहीं है कि करीब 2000 से 2500 सीआरपीएफ जवानों को 300 किलोमीटर जो है वो करीब 78 बसों में ट्रैवल किया जाए, बहुत जरूरी है कि उन्हें एयरलिफ्ट किया जाना चाहिए था, खासकर तब जब इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिल रही थी। मगर इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। और बड़ा सवाल यह कि क्या मीडिया ने यह सवाल किया कि भारत और चीन के बीच वुहान समिट हुई थी और 2018 में हुई थी, और 2018 से पहले हर साल संयुक्त राष्ट्र में भारत जो है मौलाना मसूद अजहर पर पाबंदी लगाने को लेकर मुद्दा उठाता रहा था और चीन ने हमेशा इसे रोका। मगर जैसे ही वुहान समिट हुई मोदी और शी के बीच में, तब भारत ने यह उठाना ही छोड़ दिया। आपको क्या इन तमाम चीजों पर हैरत नहीं होती है? और सवाल यह कि क्या मीडिया इन मुद्दों को उठा रहा है? क्या इन मुद्दों को उठाने की जरूरत नहीं है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे जो सोच थी जनरल हुड्डा, उन्होंने क्या कहा है। नवभारत टाइम्स को उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि वक्त आ गया है कि सरकार को जाग जाना चाहिए। यह कहना कि हालात ठीक हो रहे हैं इससे काम नहीं होगा, पिछले साल सबसे ज्यादा सुरक्षाकर्मी मारे गए, जो 10 साल में सबसे अधिक है। जहां सर्जिकल स्ट्राइक के बावजूद हमारे जवान मारे जा रहे हैं, यह जनरल हुड्डा कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें खुद को मूर्ख बनाना बंद करना होगा। ऐसा नहीं है कि सब ठीक हो रहा है, आतंकवादियों का रिक्रूटमेंट भी बढ़ रहा है। जनरल हुड्डा ने कहा कि सबसे पहले यह मानना पड़ेगा कि दिक्कत है, और यह सरकार दोस्तों दिक्कत भी नहीं मान रही है। आज एक बार फिर मेरी संवेदनाएं उन तमाम परिवारों के साथ। और देखिए, जो एक अर्ध सैनिक बल का जवान होता है, एक फौजी होता है, उससे रिश्ता कायम करने के लिए जरूरी नहीं कि आपका कोई रिश्तेदार भी आर्मी में हो या सीआरपीएफ में हो। आज ये सवाल ना पूछ के हम उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, हम उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं।